हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट नोवेलॉन। दोस्तों, ये जो नोवेलॉन टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो का एंड पे मैं इस नोवेलॉन टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका कोई इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तो अगर आप ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करते आ रहे हो तो कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो नोवेलॉन टैबलेट है इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो नोवेलॉन टैबलेट है, दोस्तों ये 21 टैबलेट्स का पत्ता में मिलता है, कीमत है 218 रुपये। और इसे जो कंपनी बनाती है दोस्तों, कंपनी का नाम है ऑर्गेनॉन इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही अच्छी और नामी कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में से। तो दोस्तों, योगी का कंपनी, अब बात करते हैं कंपोजिशन कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस दवा को तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये जो नोवेलॉन टैबलेट है इसके हर एक टैबलेट में है एथिनिल स्ट्राडियोल 0.03 mg, जो कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्लस डैसो गैस्ट्रेल 0.15 mg, जो कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो दोस्तों, ये होगी इसका कंपोजिशन। अब बात करें इसका यूज़ कि कहाँ कहाँ इस नोवेलॉन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एक नंबर यूज़ किया हमारा एज अ ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी गर्भ निरोधक गोली के रूप में, यानी बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में। यानी अगर किसी का रिसेंटली शादी हुआ है, वो अगर बच्चा नहीं चाहती, या फिर रिसेंटली किसी महिला का डिलीवरी हुआ है, वो अभी इस दौरान बच्चा अगर नहीं चाहती, तो लगातार एक बार में से आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगा। पहला यूज़। दूसरा, तो इसका यूज़ किया था PCOS और PCOD को ठीक करने के लिए। दोस्तों, PCOS और PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर अभी दो ओवरी का फोटो दिखाई मिल रहा है, जिसमें एक नॉर्मल ओवरी है और एक में पॉलीसिस्ट वाला ओवरी है, जिसमें दोनों लिखा भी होगा किसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, जो ओवरी में जो पानी भरा हुआ छोटा छोटा सैक जैसा सिस्ट होता है, उसी को PCOS और PCOD कहा जाता है। तो हो गया दूसरा यूज़। तीन नंबर, तो इसका यूज़ किया था मेनोरेजिया, यानी तो किसी महिला का पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग चलता है, या फिर महीने में दो दो बार पीरियड अगर आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसे प्रिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट दोस्तों, इसका यूज़ किया था हमारा एंडोमेट्रोसिस। दोस्तों, यार किसी महिला का अगर एंडोमेट्रोसिस, मतलब हम जानते हैं बच्चेदानी का 3 लेवल होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेवल जो एबनॉर्मल सेल्स से ग्रोथ होता है और सूजन होता है, उसी को एंडोमेट्रोसिस कहा था। तो एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट भी इसे दिया था। और तो नेक्स्ट इसका यूज़ किया था अगर पेनफुल मैस्ट्रुएशन, यानी आपका पीरियड के दौरान अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है निचला पेट में, तो उस पेन को भी ये ठीक करता है। साथ में इसको नेक्स्ट इसका यूज़ किया तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये ठीक करता है। दोस्तों, तो योग इसके कुछ यूजेस। अब बात करें इसका डोज की, कौन सा डोज में इस टैबलेट को एडवाइस किया था। दोस्तों, इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, डोज डिपेंड करता है कि किस पर्पज से मेडिसिन को लिया जा रहा है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए डोज बता रहा हूँ। कोई अगर इसी महिला बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में ले रही है, यानी गर्भ निरोधक गोली के रूप में ले रही है, उस दौरान इसका डोज चलता है पीरियड का 5वां दिन से लेके लगातार 21 दिन तक, रोजाना रात को एक गोली खाने के बाद 21 दिन तक, फिर 7 दिन दवा बंद होता है, 7 दिन के अंदर पीरियड आता है। इनकेस अगर 7 दिन के अंदर पीरियड ना आए तो फिर 8वां दिन से दवा स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल है। तो योग इसका डोज। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट। दोस्तों, साइड इफेक्ट स्क्रिप्ट में नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्रेस्ट पेन, यानी वजन स्पोर्टिंग, जैसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान। तो जो कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा कुछ साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, यानी सावधानी कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करें या ना करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल गलती से भी ना करें, लैक्टिव मदर सावधानी के साथ डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगा। तो वो सावधानी। अब बात करें इसका रिव्यू, यानी ये जो नोवेलॉन टैबलेट है इसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों, ये जो नोवेलॉन टैबलेट है, जहाँ जहाँ मैंने इसका यूजेस बताया उस जगह पर अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, इससे वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।